नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यूपी कैटेट का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं, प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पैथोजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। 1943 में जो बंगाल में अकाल आया था वो किस पैथोजन की वजह से आया था? तो वो था हेलमिंथो स्पोरियम और आईजी, धान का रोग है ये, इस वजह से ये आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है हेलमिंथो स्पोरियम और आईजी। अगला है पाउडरी मिल्ड्यू इन क्रॉप इज कॉज्ड बाय, पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो पाउडरी मिल्ड्यू हो गया या डाउनी मिल्ड्यू, दोनों किसकी वजह से होते हैं? फंगस की वजह से। अगला है एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज कॉल्ड, जो फंगस होता है उनका हायर प्लांट जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनके जड़ों के साथ जो एक सिम्बायोसिस का एसोसिएशन होता है वो क्या कहलाता है? इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और फंजाई जड़ों में रहता है उनकी, तो उसे कहते हैं हम माइकोराइजा। माइकोराइजा कहलाता है किसका? फंजाई और रूट्स का एसोसिएशन। अगला है येलो रस्ट ऑफ फीट इज कॉज्ड बाई, जो पीला रस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है पक्सीनिया स्ट्रिफॉर्मिस, पक्सीनिया स्ट्रिफॉर्मिस से येलो रस्ट होता है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई से ब्लैक रस्ट होता है, और पक्सीनिया रिकॉन्डिटा से ब्राउन रस्ट होता है। ये तीनों किसकी डिजीज हैं? गेहूँ की डिजीज है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है। और ये हेट्रोसियस रस्ट होता है, कौन सा है? हेट्रोसियस, जिनका मतलब क्या होता है? जीवन काल दो दो होस्ट में पूरा होता है, वो हमारे कहलाते हैं हेट्रोसियस। अगला है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें जो व्हाइट रस्ट होता है मेनली सरसों में, वो किसकी वजह से होता है? उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा? तो वो उसका आंसर है हमारा एल्बिगो कैंडिडा, एल्बिगो कैंडिडा जो फंगस होता है उसकी वजह से व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। अगला है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जो लाल सड़न होता है गन्ने का वो किसकी वजह से होता है? तो पहला तो फंगस की वजह से, किस फंगस की वजह से होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है, सबसे ज़्यादा नुकसान गन्ने में होता है अगर, तो वो होता है लाल सड़न से या रेड रॉट से, वो होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नाम के फंगस से या कवक से। अगला है पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिस फेमाइन 1845, एक था बंगाल फेमाइन, दूसरा ये आयरिस फेमाइन, आयरलैंड में हुआ था ये 1845 में, किसकी वजह से? लेट ब्लाइट जो होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसकी वजह से आलू की पूरी वहाँ पर क्रॉप क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी 1845 में, और वहाँ भी अकाल की समस्या आ गई थी। तो किसकी वजह से? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अगला है ऊज टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट, ऊज टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो ऊज स्पोर की बात करें तो वो बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है, इसलिए ऊज टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है? बैक्टीरियल डिटेक्शन के लिए, बैक्टीरियल पैथोजन को अगर डिटेक्ट करना है तो हम ऊज टेस्ट करते हैं। अगला है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट इज सप्रेस्ड बाई, अगर डाउनी मिल्ड्यू है पर्ल मिलेट में तो वो किस तत्व की वजह से कम किया जा सकता है? तो इसका आंसर है क्लोरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डाउनी मिल्ड्यू क्लोरीन से कम किया जा सकता है। अगला है लूज स्मट पैथोजन ऑफ फीट इज, जो लूज स्मट होता है वो एक्सटर्नली सीड बॉर्न होता है या इंटरनली सीड बॉर्न होता है या एयर बॉर्न होता है? तो इसका जो आंसर है वो है इंटरनली सीड बॉर्न। क्या होता है कि इसमें सीड के अंदर का जो मास होता है वो एक प्रकार से सड़ जाता है और ब्लैक सूटी मोल्ड में बदल जाता है, इसलिए सीड के अंदर का होता है जो बदला होता है, तो इसलिए ये इंटरनली सीड बॉर्न होता है। अगला है फिल्लोडी इज एन इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ, फिल्लोडी जो डिजीज़ होती है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है तिल या सीसमम, फिल्लोडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है तिल के लिए। अगला है इन 10 mesh साइज इंडिविजुअल पोर इज इक्वल टू, जो 10 mesh की सीव होती हैं या जो जिन्हें क्या कहते हैं छलनी कहते हैं, तो उनका साइज कितना होता है? तो 10 mesh का जो साइज होता है वो होता है 0.2 mm, क्या करते हैं सीविंग के लिए जब काम करते हैं तो 10 mesh का अगर यूज करेंगे तो उनमें जो एक पोर का साइज होगा वो होगा 0.2 mm। अगला सिगाटोका इज अ प्रॉब्लम इन, जो सिगाटोका एक डिसऑर्डर होता है वो किस में होता है? तो वो है हमारा बनाना या केला में, केले की एक बीमारी है सिगाटोका। अगला व्हेन ग्रोथ ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो किसी दूसरे द्वारा कम कर दी जाती है या रोक दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम एंटीबायोसिस। यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसे एंटीबायोसिस और एंटीबायोटिक में
कंफ्यूज नहीं होना, एंटीबायोटिक जो होता है वो अपना दूसरा टर्म होता है, इसे जो कहते हैं वो कहते हैं एंटीबायोसिस, जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ दूसरे के द्वारा रोक दी जाती है। अगला, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो एल्बिगो कैंडिडा से होता है उसका ऑर्डर कौन सा है, तो उसका ऑर्डर है परनोस्पोरेल्स। ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी कैटेट में, एक दो ऑर्डर पूछे जाएंगे, तो उसका है क्रूसीफर का, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का परनोस्पोरेल्स। अगला है, फिच रस्ट हैव द ऑटोसियस नेचर ऑफ लाइफ साइकिल। अभी हमने आपको बताया था कि व्हीट के जितने भी रस्ट होते हैं वो हेट्रोसियस रस्ट होते हैं, मतलब दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो इसमें ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट ये होगा नहीं, ब्राउन रस्ट भी नहीं होगा, लीफ रस्ट ये भी गेहूँ का ही है, और चौथा है रस्ट ऑफ लिनसीड। तो ये तीन तो हमारे हैं नहीं, तो इसका आंसर होगा रस्ट ऑफ लिनसीड। तो इसमें याद रखना है कि गेहूं के जितने भी रस्ट होते हैं वो हेट्रोसियस होते हैं, लेकिन जो लिनसीड का अलसी का रस्ट होता है वो ऑटोसियस नेचर का होता है, वो अपने एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइट अटैकिंग रूट्स ऑफ बाजरा, तो बाजरा के रूट्स में कौन सा पैरासाइट अटैक करता है या रहता है, तो इसका आंसर होगा हमारा स्ट्राइगा। स्ट्राइगा जो है बाजरे की रूट्स में रहता है और एक पैरासाइट है। अगला है पैथोजन रिस्पांस फॉर सिट्रस कैंकर डिजीज, सिट्रस कैंकर के लिए कौन सा पैथोजन, फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है या माइकोप्लाज्मा होता है, तो सिट्रस कैंकर जो हमारे सिट्रस के फलों में होता है मेनली नींबू में, तो वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के द्वारा। अगला है वेक्टर रिस्पांसिबल फॉर पोटैटो लीफ रोल वायरस, जो पोटैटो लीफ रोल वायरस होता है, वायरस मेनली क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं, तो उनके लिए वेक्टर की आवश्यकता होती है, तो जो पोटैटो लीफ रोल वायरस होता है उसके लिए एफिड वेक्टर का काम करता है। जनरली जितने भी वायरस होंगे उनके लिए वाइट फ्लाई करती है काम वेक्टर का, लेकिन यहाँ पर जो है वो एफिड काम करेगा किसका, वेक्टर का। अगला है सैक्रोमाइसिस या ईस्ट जिसे कहते हैं, हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग, जो ईस्ट होता है वो किसको किस में चेंज करता है, एल्कोहल को शुगर में, या शुगर को ग्लूकोज में, या शुगर को एल्कोहल में, या शुगर को एसीटोन में, तो ईस्ट का यूज बहुत ज़्यादा होता है ब्रेड में और एल्कोहल इंडस्ट्री में, तो इसकी यही प्रॉपर्टी होती है कि वह शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, जो ईस्ट होता है शुगर को एल्कोहल में फर्मेंटेशन के लिए, इसीलिए इसका यूज फर्मेंटेशन के लिए होता है। अगला है वार डिजीज ऑफ पोटैटो इन कंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू, जो हमारी इंडिया है वो पोटैटो वार डिजीज जो है वो किस एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है अपनी कंट्री में, तो वो है हमारा दार्जिलिंग हिल्स में, दार्जिलिंग हिल्स में वार डिजीज पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। अगला है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो इन्फेक्शन का सोर्स होता है ब्लैक रस्ट का, काली रस्ट का गेहूं के, उसका सोर्स क्या है, कौन सा स्पोर से ब्लैक रस्ट होता है, तो इसका आंसर है हमारा यूरेडियो स्पोर्स, यूरेडियो स्पोर से ब्लैक रस्ट फैलता है। अगला है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाई, जो ब्लैक टिप या आपने देखा होगा आम के नीचे काला काला हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर है ये किसी फंजाई बैक्टीरिया या मॉइस्चर की वजह से नहीं होता है, जो ईंट के भट्ठों का धुआं होता है उसकी वजह से उसमें एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे से काला हो जाता है, गांव में से बहुत लोग कोयली रोग बोलते हैं, तो वो इसी वजह से होता है मेनली, किसकी वजह से, धुएँ की वजह से, वो एक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है टिश्यूज सारे वहाँ के गल जाते हैं। अगला है टर्म डिप्लेनेटिज्म इज यूज्ड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज, तो डिप्लेनेटिज्म क्या होता है, इसका मतलब सेपरेट क्रोमोजोम या डबल क्रोमोजोम या दोनों या टू पीरियड्स ऑफ मोबिलिटी इन वन लाइफ साइकिल, तो इसका मतलब यही होता है कि कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो टू पीरियड्स ऑफ मोबिलिटी इन वन लाइफ साइकिल, एक ही जीवन चक्र में दो बार मोबिलिटी होती है, वो हमारा कहलाता है डिप्लेनेटिज्म। अगला है लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो इज कॉज्ड बाई, जो लीफ कर्ल होता है टोमेटो का वो किसकी वजह से होता है, तो लीफ कर्ल हमारा वायरस की वजह से होता है टोमेटो का। अगला है डिजीज फोरकास्टिंग इज यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ पैथोजन, स्टडी ऑफ एपिडमिक, एवॉइड पॉल्यूशन और टेकिंग टाइमली प्रिकॉशंस फॉर डिजीज मैनेजमेंट, तो इसका आंसर यही है टेकिंग टाइमली प्रिकॉशंस फॉर डिजीज मैनेजमेंट। फोरकास्टिंग का मतलब यही होता है कि उस डिजीज के होने से पहले हमें उसकी जानकारी हो जाना कि ये डिजीज हो सकती है, अगर हम फोरकास्टिंग कर ले जाएंगे तो फिर हम उसके हिसाब से प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिकॉशन कर सकते हैं कि वो डिजीज़ फिर ना हो, इसलिए फोरकास्टिंग का बहुत ज़्यादा
रोल होता है। अगला है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ ऑफ शुगर केन, तो अभी हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा रेड रॉट से नुकसान होता है शुगर केन में, किससे? रेड रॉट से, तो रेड रॉट या कोलेटोट्रैगम फाल्केटम से होता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ है किसकी? गन्ने की। अगला है स्मट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ, जो स्मट होता है वो किसका अपीयरेंस देता है? कॉम्पैक्ट हार्डनेस का, सूटी पाउडर का, सुपरफिशियल ग्रोथ का, या डस्टी लेयर का? तो स्मट में क्या होता है कि ग्रेन की जगह में सूटी पाउडर बन जाता है, ब्लैक सूटी पाउडर बन जाता है, तो वो हमारा कहलाता है स्मट। तो कैसा अपीयरेंस देता है? सूटी पाउडर का। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इज़ बेस्ड ऑन, जो फंगस का क्लासिफिकेशन होता है, कवक का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण वो किसके आधार पर होता है? सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, या उसके पैरासिटिक नेचर के आधार पर, या माइसीलियम के आधार पर, या रिप्रोडक्टिव साइकिल के आधार पर? तो जो फंगस का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल के हिसाब से, जो उनका प्रजनन साइकिल होता है उसके हिसाब से होता है। निमेटोड्स पेनिट्रेट इन प्लांट टिश्यू विद द एड ऑफ, जो निमेटोड होते हैं वो किसकी सहायता से प्लांट्स में पेनिट्रेट करते हैं या अंदर जाते हैं? तो वो क्या है, स्टोमा या स्टाइलेट, सेलाइवा, लेवियल पैपली या सर्वाइकल पैपली? तो इसका जो आंसर है स्टाइलेट जो होती है उनकी, जिसको स्टोमा कहते हैं, स्टाइलेट से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निमेटोड के लिए कि स्टाइलेट से प्लांट टिश्यू में इंटर करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और वहीं से अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं और वो फिर ज़िंदा रहते हैं। तो ये था हमारा आज पैथोलॉजी का पार्ट था पहला। अभी हम बहुत जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और हो सकेगा तो एक दिन में हम आपको दो वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।